करीब चार सालों से भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बना हुआ है। कई बार तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प तक हो चुकी है, लेकिन अब भारत और चीन के बीच समंदर में भी जबरदस्त शीत युद्ध शुरू हो गया है। हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच भिड़ंत तब चरम पर पहुंच गई है। कई देश भारत और चीन के इस शीत युद्ध की चपेट में आ गए हैं। मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को फैसला करना होगा कि वो भारत के साथ हैं या चीन के साथ। अपने फायदे के लिए पाला बदलना भारत के पड़ोसी देशों को महंगा पड़ने वाला है। आप जानते ही हैं कि चीन पिछले कुछ महीनों से भारत के आसपास लगातार जासूसी जहाज भेज रहा है। सबसे ताजा मामले में चीन ने मालदीव में अपने दो जासूसी जहाज खड़े कर दिए, लेकिन भारत ने पहली बार ऐसा जवाब दिया है जिसने चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने सबसे पहले तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में कई युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी। उसके बाद भारतीय नौसेना ने समंदर में बड़े ऑपरेशंस और बड़े हमले करने शुरू कर दिए। ये हमले फिलहाल तो आतंकियों और डाकुओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन असली निशाना चीन है। भारत ने चीन और अपने कुछ पड़ोसी देशों को संदेश भेजा है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ गश्त नहीं लगाएगी बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला बोल देगी। भारत ने इसके लिए बड़ी ही शानदार रणनीति पर काम शुरू भी कर दिया है। आपने देखा होगा कि भारतीय नौसेना ने अपने तटों से बाहर निकलकर अब समंदर के एक बड़े हिस्से में कई देशों की मदद शुरू कर दी है। जो भी देश चीन, समुद्री डाकुओं और हूती आतंकियों से परेशान है, भारतीय नौसेना उनकी मदद कर रही है। भारत ने अरब सागर में कई देशों के जहाजों को सोमालिया के डाकुओं से बचाया है। भारतीय नेवी अब समंदर की रॉबिन हुड बन गई है, यानी समंदर में भारत की रणनीति चीन से बिल्कुल उल्टी है। चीन समंदर में गुंडागर्दी दिखा रहा है तो भारत दुनिया की मदद कर रहा है। आपको याद होगा कि जब भारत के मरीन कमांडोज ने समुद्री डाकुओं से पाकिस्तानियों को छुड़वाया था, तब थोड़ी ही दूर पर चीन की नौसेना बैठी हुई थी। चीन ने मदद नहीं की, लेकिन भारत ने पाकिस्तानियों को बचा लिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण व्यापार जल मार्गों की भी रक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सब कुछ केवल परोपकारिता के लिए नहीं किया जा रहा। भारत जानता है कि विश्व शक्ति बनने के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है, और भारत समुद्री शक्ति बन भी गया है।